हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंकर फुल ऑटो मोबाइल्स। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z6 वेरिएंट के बारे में। ये इस गाड़ी का जो है मिड वेरिएंट है। इस वेरिएंट के हम फीचर्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर सभी चीज़ों की बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक Z2 वेरिएंट का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में हमें नॉर्मल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, रिफ्लेक्टर बेस ग्रिल आप देख सकते हैं। ग्रिल हमें क्रोम इंसर्ट्स के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी, आप ये देख सकते हैं लुक। ठीक है, हमें स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी और जो स्किंग वाले जो गियर हेड्स हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे इस वेरियंट में। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की साइड लुक की। तो साइड लुक हमें कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। साइड में हमें ब्लैक कलर की क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है। 17 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं विद फुल व्हील कैप्स। और साइड लुक आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हमें विंडो एरिया देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और ORVM हमें देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर लुक की। तो रियर लुक हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, फुल LED की टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, बीच में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और हमें रियर वाइपर और डिफॉगर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीट ब्लैक बम्पर देखने को मिलता है। लुक आप देख सकते हैं, आप इंटीरियर देख सकते हैं। इंटीरियर हमें ब्लैक और ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील पर हमें क्रूज कंट्रोल के बटन्स देखने को मिल जाते हैं और स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। AC के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, टच स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की सीट्स। इस गाड़ी में हमें फैब्रिक सीट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। इसमें हमें एग्रीनो X के जो कनेक्टेड कार फीचर्स हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। करते हैं बाकी फीचर्स की। तो हमें एग्रीनो X के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं विद Amazon Alexa। जिप जैप जूम है, जो ड्राइव मोड्स हमें देखने को मिल जाते हैं डीजल वेरिएंट में। वर्क 3 वर्ड्स का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की जो हमें कंपेटिबिलिटी है देखने को मिल जाती है। कनेक्टेड कार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। रिमोट कमांड एंड कंट्रोल के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हमें रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो भी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की। तो हमें ABS, EBD, डुअल एयर बैग्स, रोल ओवर मिटिगेशन, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और भी फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इस जो पर्टिकुलर वेरिएंट में है हमें एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है डीजल इंजन। 2.2 लीटर का हमें डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 175 PS का पावर और मैनुअल ट्रांसमिशन में 370 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उस गाड़ी में हमें 400 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। यही थे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 के सारे फीचर्स और उनकी डिटेल्स। अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर जो प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर सकते हैं। उस जो प्लेलिस्ट में है वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।